अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम और फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह के फजल और करम से। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जितनी भी मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली है, जितनी भी प्यारी आंखें मेरे इस व्लॉग देख रही हैं, तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट होती है जो कि हर व्लॉग में हम जितने भी यूट्यूबर हैं, हम सब यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी देखने वाली प्यारी आंखें हमारे व्लॉग को देखती हैं, वो सब सबसे पहले हमारे चैनल को, जो भी न्यू देख रहे हैं वीडियो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, अपनी राय का इजहार दीजिए करें कि इस तरह थोड़ा सा हमें हम मोटिवेट हो जाते हैं ना थोड़ा बहुत, कि कौन हमारी वीडियो को लाइक करता है, शेयर करता है और कमेंट्स करके जाता है, तो फिर दिल को ना थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है और खुशी भी हो जाती है कि वाकया ना हम मेहनत जो कर रहे हैं वो रायगा नहीं जा रही, समझो हमारी मेहनत जो है उसका फल हमें मिल रहा है। तो इसी तरह जी, आपको जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मामा लोग की तरफ आई हुई हूँ कुछ दिनों के लिए, दिल तो फिलहाल कहीं भी नहीं लग रहा, बस कुछ दिन मामा लोगों की तरफ, कुछ दिन ससुराल। इसी तरह तो हम लोग नानों की तरफ जा रहे थे, नानों को मिलने के लिए, सब घर वाले भाभी भाई मामा बच्चे सब। तो इसी तरह मैंने ना वीडियो बना ली थी जाते हुए। फिर इसी तरह सबसे पहले हम नानों की तरफ गए, नानों की तरफ से सबसे पहले तो हम बाज़ार गए, बाज़ार से कुछ शॉपिंग की थोड़ी बहुत, जो जो चीज़ें लेनी थी, शूज़ वगैरह हमने लेने थे लेकिन हमें तो पसंद नहीं है, मामा को जो पसंद आए उन्होंने ले लिए बस। वो वहाँ पे मैं रश काफ़ी था हसन अमताल, आपको पता ही है जैसे, तो मैंने वहाँ पर वीडियो वगैरह कोई रिकॉर्ड नहीं की थी ना। तो इसी तरह फिर उसके बाद हम लोगों ने खाला की तरफ सबसे पहले आना था, खाला की तरफ आए। खाला की तरफ आए तो दाल चावल बनाए हुए थे खाला ने, खाना बनाया हुआ था, शायद मैक्रोनी थी और सैलड वगैरह था, इसी तरह चटनी थी। फिर हम सब ने खाना खाया, उसके बाद थोड़ी देर बैठे गपशप लगाई, फिर नानू लोगों की तरफ आ गए थे, नानू लोगों की तरफ आए। वहाँ पर मामियों ने भी थोड़ी देर बैठे सबसे मिले, अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया, सब ने मिल के शुगर मेला थोड़ा सा लगाया। तो उसके बाद फिर हमने, मामियों ने पकोड़े बनाए थे, चाय बनाए थे, वो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, बस सॉरी कि वो मुँह से डिलीट हो गई तो इसलिए फिर वो मैं नहीं ऐड कर सकी, तो माजरत। तो इसी तरह फिर रात का खाने में मामी लोग इस तरह कह रहे बिरयानी वगैरह, हमने कहा बिल्कुल नहीं, दिन को भी हमने चावल खाए, अभी तो फिलहाल दिल नहीं है, तो हमने सब्ज़ी बनवाई थी सब ने ना शौक से, तो मामियों ने इसी तरह चटनी वगैरह बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी। तो इसी तरह हमने खाना वगैरह खाया, रात को हम काफ़ी लेट वापस आए थे, 7:30-8 बजे तक हम वापस आ गए थे घर। तो इसी तरह बस ये रूटीन चल रही है आजकल की। तो फिर मेरे हस्बैंड भी साथ साथ, आपको पता ही है पूरा दिन जब जब उन्हें फ्री होते हैं, उनके पास टाइम होता है तो वो मुझसे बात करते हैं, तो इसी तरह फिर वो भी मेरी तरफ ना, मेरे व्लॉग के लिए स्पेशल वो मेरे लिए वीडियो बनाते हैं, तो इसी तरह फिर वो वीडियो भी मैंने साथ ऐड कर ली थी, क्योंकि अब आपको ना मेरी वीडियो के साथ मेरे हस्बैंड की रूटीन की वीडियो भी आया करेंगी, जिसमें वो खाना वगैरह बनाना, उनका डेली रूटीन का जो काम वगैरह होता है वो सब करते हुए, मैंने कहा मेरे लिए ना आप मेरी यूट्यूब की फैमिली के लिए वीडियो बना दे करें। इसी तरह आज छुट्टी थी उनकी, वैसे संडे को छुट्टी थी तो काम ज़्यादा होने की वजह से आज मंडे को उनको छुट्टी है, तो उन्होंने कपड़े वगैरह वॉश किए थे वॉशिंग मशीन में, तो इसी तरह उन्होंने वहाँ की, मैंने कहा था थोड़ी सी वीडियो बना लेना ना। तो परदेश आपको पता ही है, परदेश में सब कुछ खुद करना पड़ता है, जो काम हमने घरों में नहीं भी किए होते तो परदेशियों ने जो जो काम घर में नहीं किए होते वो फिर परदेश में करने पड़ते हैं। जैसे खाना तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे भी शौक से बनाते होते थे, लेकिन कपड़े वगैरह वॉश करना और सारे काम करना बिल्कुल भी नहीं, तो वो सब काम करना पड़ता है। इसी तरह इन्होंने वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह डाल दिए थे, ड्राई होकर निकल आए, फिर उन्होंने फैला दिए थे। इसी तरह उनके भी ब्लॉग मेरे साथ आया करेंगे, उनकी वीडियो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ उनकी रूटीन की शेयर किया करूँगी। तो होपफुली आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो राय का ज़रूर इजहार दीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा ताकि मेरी भी बड़ी सी यूट्यूब की फैमिली हो जाए। तो प्लीज़ मेरा वॉच टाइम भी साथ साथ करवा दें, कम्प्लीट ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट्स करके जाया करें, और जितने भी न्यू देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ना। इसी तरह हमें खुशी मिलती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी हमें साथ साथ मिल रहा है ना। तो जल्दी से मेरे 1K करवा दें,
और साथ साथ ही मेरा वॉच टाइम भी ताकि कंप्लीट होता रहे ना। मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ, डेली डालूँ। बस कुछ मसरूफियात भी ऐसी थी, कुछ सिचुएशन भी ऐसी थी, उसी की वजह से मैं नहीं बना सकी। भी दिल भी नहीं करता था, अब अल्लाह की करम से ये बात है कि थोड़ी सी टेंशन फ्री हुई हूँ, तो उसकी वजह से अब फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश ही करूँगी कि मैं डेली वीडियो डालूँ ना अपनी यूट्यूब पे फैमिली के लिए। और यूट्यूब फैमिली मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ बैक साइड पे जो शोर वगैरह की इस तरह की आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। बच्चों वाला घर है आपको पता है, थोड़ा सा शोर होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।